आखिरकार बिग बॉस के घर के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि बिग बॉस ने अचानक प्रियंका चहर चौधरी को कन्फेशन रूम में बुला लिया है। जी हां, आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर से प्रियंका चहर चौधरी को लेकर एक लेटेस्ट और बड़ी अपडेट लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, जिसमें अचानक से बिग बॉस ने सीधा सीधा सभी घर वालों को कहा कि अभी इस वक्त जो टास्क चल रहा है उस टास्क को अभी इसी वक्त रोको और प्रियंका चहर चौधरी को सीधा सीधा कन्फेशन रूम में बुला लो। जी हां, आपको बता दें कि कन्फेशन रूम में बुलाकर भी प्रियंका चौधरी को बिग बॉस ने कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब देते देते प्रियंका चहर चौधरी के तो पैर ही कांपने लग पड़े थे। ऐसे में बाहर कोई जानना चाहता है कि ऐसी कौन सी बड़ी इमरजेंसी आ गई थी कि अचानक बिग बॉस ने बीच टास्क में प्रियंका को कन्फेशन रूम में बुला लिया और इतने बड़ा सवाल भी पूछ डाला। क्या कहा है बिग बॉस ने, क्यों बुलाया है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त इस सीजन का सबसे बड़ा टास्क चल रहा है और वो है टॉर्चर टास्क, जिसमें बिग बॉस ने दो ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप में तो पूरी की पूरी मंडली है और दूसरे ग्रुप में है शालीन भानोट, प्रियंका चहर चौधरी और तीसरी है अर्चना गौतम। इसी बीच आपको बता दें कि अर्चना गौतम ने कुछ ऐसा कर दिया है कि बिग बॉस ने सीधा सीधा प्रियंका चहर चौधरी को कन्फेशन रूम में बुला लिया है। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर सीधा सीधा जैसे ही ये टास्क शुरू हुआ, अर्चना गौतम ने तो हद ही पार कर दी। अर्चना गौतम ने इस टास्क के अंदर चिकन का यूज किया, फिश का यूज किया और यहां तक कि हल्दी भी सभी कंटेस्टेंट की आंखों में डालना शुरू कर दिया, जिसको लेकर बिग बॉस ने सीधा सीधा प्रियंका चहर चौधरी को कन्फेशन रूम में बुलाया और कहा कि प्रियंका, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब तुम मुझे सही से देना। मैं तुमसे पूछता हूँ कि जिस तरह से अर्चना गौतम बिग बॉस के इस टास्क में, टॉर्चर वाले टास्क में जो चीजें यूज कर रही हैं, जिस तरह का दाव खेल रही हैं, फिश यूज कर रही हैं, चिकन यूज कर रही हैं, हल्दी यूज कर रही हैं, ये कितना सही है, तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है, मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं। जिसके जवाब में आपको बता दें कि पहले तो प्रियंका चौधरी चुप रही, लेकिन जब प्रियंका को ये पता चला, ये एहसास हुआ कि इसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा, प्रियंका ने सीधा सीधा कह डाला कि सर मुझे तो ये वेस्ट ऑफ फूड लग रहा है, इसमें हमारे खाने की चीजें काफी ज्यादा वेस्ट हुई हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे भी अर्चना गौतम को रोकना चाहिए था लेकिन मैं नहीं रोक पाई। जी हां, ये सीधे सीधे आपको बता दें कि प्रियंका चहर चौधरी ने यहां पर अर्चना गौतम के खिलाफ अब बयान दे दिया है। ऐसे में अभी देखना ही होगा कि जब ये एपिसोड टीवी पर आता है तब बिग बॉस और क्या क्या कहते हुए नजर आ जाते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करें। बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।